अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश और खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपने स्टार्ट से लास्ट तक देखनी है, आपने एक सेकंड भी इसे स्किप नहीं करना, नहीं तो आपके वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो UMC केस अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से हिदायत जारी की गई है कि जिनकी जो है ना कापी पेस्ट आप कर रहे हैं वो अगर पकड़ी गई तो UMC केस आप पर बन सकता है। जी हाँ, UMC केस आप 3-4-5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी स्टडी आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। और मेरा ये मानना है कि अगर आप स्टडी से 2-3 साल के लिए अगर एग्ज़िट कर लें तो उसके बाद दोबारा स्टडी को कंटिन्यू करना ये बहुत ही टफ़ काम है और इम्पॉसिबल ही समझ लें, मेरे ख्याल से तो इम्पॉसिबल ही है। जिस दिन से ये एंड टर्म एग्ज़ाम के ये स्टार्ट हुआ है सिस्टम, उसी दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आपने पेपर हल करने हैं, कापी नहीं करनी। आपको बारह मैं बता चुका हूँ और एक एक वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह भेजने हैं, हर चीज़ के बारे में। आज आपको UMC से बचने का एक ज़बरदस्त टोटका मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका कोई ख़र्चा नहीं होता लेकिन हमारी तकलीफ काफ़ी ज़्यादा, आपकी सोच से भी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपको जो लिंक्स दिए जा रहे हैं इनको अब फेसबुक पर भी गर्दिश कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी गर्दिश कर रहे हैं और सॉल्वड असाइनमेंट्स भी जो है ना वो भी गर्दिश कर रही हैं। सारे स्टूडेंट्स वही देख देख के लिखे जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि ये पेपर्स हैं, असाइनमेंट्स नहीं है। जिस तरह आप अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स लिखते थे तो उसमें कॉपीराइट नहीं होता था, उसमें चल जाता था। लेकिन ये आपके एंड टर्म असेसमेंट्स पेपर हैं, ओरिजिनल पेपर हैं, ये असाइनमेंट्स नहीं हैं। इनको आपको कॉपी करने की किसी भी सूरत इजाज़त नहीं है, चाहे वो किताब से करें, चाहे वो किसी इंटरनेट से करें, चाहे वो कहीं से भी करें। तो मैं आपको एक आसान सा सलूशन बताता हूँ जिससे आप UMC केस से बच सकते हैं। उसका सलूशन ये है कि आपके पास जो लिंक्स हैं, जो डाटा है, जो मवाद है, आप उसी तरह ना लिखें कि जिस तरह वहाँ पर लिखा हुआ है। उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स कर लें, या तो उसको एक बार पढ़ लें फिर अपने अल्फाज में लिख लें। उसका बेहतरीन तरीका यह है, आपका टाइम भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा और एक एक लाइन, एक एक लफ्ज़ आपको देखकर लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अलावा एक बेहतरीन सा हल है कि आपके पास जो सॉफ्ट में लिंक्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो लिंक्स हैं आपके पास, जो डाटा आ रहा है, उसको आप जाके गूगल ट्रांसलेट में डालें, उसको उर्दू में कन्वर्ट करें। उर्दू में कन्वर्ट करने के बाद उसको दोबारा इंग्लिश में कन्वर्ट करें अगर इंग्लिश में लिखना है। अगर आपके पास डाटा उर्दू के अंदर है तो उसको जाके इंग्लिश में कन्वर्ट करें, दोबारा उर्दू में कन्वर्ट करें, ताकि उसकी अरेंजमेंट्स, उसके अल्फाज, उस वो सारा कुछ सिस्टम चेंज हो जाए। उसके बावजूद भी अपनी हेडिंग्स को थोड़ा आगे पीछे कर लें, पैराग्राफ्स को थोड़ा आगे पीछे कर लें। ये ना हो कि सबके पेपर्स एक जैसे हों तो आपके पास जो लिंक आ रहे हैं वो ये तो नहीं है कि सिर्फ आप ही लिख रहे हैं, वो आप जैसे हज़ारों लोग लिख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्राइज सब्सक्राइब कर